हे गाइस व्हाट्स अप, फ्लैश हियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज के इस वीडियो में मैं वापस एक बार खेल रहा हूँ GTA 5। सो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले वाले एपिसोड में मैंने रीइंफोर्स्ड आर्मर चुराए थे कैसीनो हाइस्ट के लिए, और उसके बाद हमारा जो एक लास्ट मिशन करना बाकी था, प्रिपरेशन करना बाकी था, वो था सिक्योरिटी इंटेल। अब सिक्योरिटी इंटेल करने के लिए मुझे कैसीनो पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर मुझे पेंट हाउस खरीदना पड़ेगा, तभी मैं उस मिशन को एक्सेस कर पाऊँगा, क्योंकि वो मिशन जो था वो लॉक्ड था। तो मैं यहाँ पर कैसीनो हाइस्ट पर, अरे कैसीनो पर तो आ चुका हूँ, और मुझे अंदर जाकर अपना जो नया अपार्टमेंट है कैसीनो में, पेंट हाउस, वो ख़रीदना पड़ेगा ताकि मैं एक्सेस कर सकूँ। तो फिलहाल तो मैं अपनी गाड़ी को लेकर कैसीनो के अंदर चलता हूँ, और वहाँ पर जाकर मैं अपना नया जो पेंट हाउस है वो ख़रीदने वाला हूँ। और उसे ख़रीदने के लिए मुझे पहले अपना जो, मतलब मेरे पास इतने पैसे तो है लेकिन मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपना जो अपार्टमेंट है वो मैं बेच दे रहा हूँ, जो आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा। तो उसके साथ मैं ट्रेड इन कर लूँगा अगर हो सके तो, नहीं तो फिर मुझे पैसे ही अपने खर्च करने पड़ेंगे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर डायमंड कैसीनो एंड रिसोर्ट में आ चुका हूँ, और मुझे यहाँ पर जाकर जो है नया कैसीनो ख़रीदना पड़ेगा। डिज़ाइन योर ओन क्रैश पैड, डिज़ाइन योर ओन ही करते हैं इसमें, मतलब देखता हूँ अभी, तो अगर महंगा हो गया तो नहीं ख़रीदूँगा फिर मैं, यही ठीक है, कितना ज़्यादा नहीं करवाना। फ्लोर प्लान में बेड ठीक है, सोफ़ा बेडरूम तो एक्स्ट्रा बेडरूम नहीं चाहिए, गैराज तो चाहिए ही चाहिए, गैराज के लिए एक्स्ट्रा $900,000। अरे यार, मैं रेडीमेड ही वो वाला जो था वो बाय कर लेता हूँ मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वो वाला बाय कर सकूँ। गैराज अभी मैं बाय कर नहीं सकता, तो अगर मुझे खुद का करना हो तो मुझे गैराज तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास फिर कोई और कोई गैराज बचेगा नहीं। तो गैराज के साथ मेरा होता है $2.4 million। ओके, और कुछ देख लेता हूँ, हो तो ये कलर देख लिया है, पैटर्न कोई और फ्री हो तो करवा लेता हूँ, फ्री तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, सारे ही पेड़ है, जो नॉर्मल है वही रखता हूँ, और यही अच्छा लग रहा है, पैटर्न फ्री है। फ्लोर प्लान में ओके, तो हमारा $900,000 का जो गैराज है वो हुआ, गैराज एक हुआ है, मीडिया रूम नहीं चाहिए, बार एंड पार्टी हब वो जब पैसे आ जाएंगे तब ले लेंगे, प्राइवेट स्पा भी नहीं चाहिए मुझे, ऑफिस भी नहीं चाहिए, ऑफिस तो है ऑलरेडी मेरे पास। बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ, अरे यार मेरे पास इनसफिशिएंट फंड है, तो मैं अपना जो पुरानी प्रॉपर्टी है वो ट्रेड इन नहीं कर सकता यार। ओके कोई बात नहीं, मैं कैसीनो हाइस्ट के बाद एक नया गैराज खरीद लूँगा, लेकिन तब तक मेरी गाड़ियाँ कहाँ पर जाएंगी, मेरे पास एक्स्ट्रा गैराज है तो सही, यही है एक जो ख़रीदना पड़ेगा मुझे। ओके मैं गरीब बन चुका हूँ अभी। ओके तो सीधा चलता है वो अपने नए घर पर, और मुझे VIP मेंबरशिप जो है वो मिल चुकी है मेरे गैराज की, अरे मेरे कैसीनो की, सॉरी एक्साइट हो गया हूँ मैं थोड़ा। ओके तो मैं यहाँ पर गैराज में आ चुका हूँ, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स कार खड़ी है एक, ये पता तो नहीं है कौन सी गाड़ी है, शायद से लोटस है, इतना पक्का नहीं पता। यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी खड़ी है, ये भी कोई है, ये भी कोई है, ये तो सादी रेंज रोवर है, और वो मेरी वाली गाड़ी जैसी है, मेरी तो नहीं है, मेरी तो मैंने बाहर खड़ी की थी, मैं चाहूँ तो यहाँ पर कर सकता हूँ लेकिन मैंने की नहीं है। मैं VIP पार्किंग में जाकर देखता हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ का ओनर नहीं था तब मुझे VIP पार्किंग में एंट्री नहीं देते थे ये लोग, लेकिन अभी एंट्री देंगे कि नहीं वो पता नहीं है। ओके तो मुझे गैराज ही परचेस करना पड़ेगा, तो जो मैं कैसीनो हाइस्ट के बात करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कर सकूँ। तो फिलहाल तो मैं सीधा चलता हूँ अपने पेंट हाउस के अंदर, मैंने देखा नहीं आज तक कि पेंट हाउस कैसा रहता है। लिफ्ट में बैठ गया, अरे खड़ा हो गया,
ओके गाइस, तो ये रहा नया मेरा पेंट हाउस, मेरा नया पेंट हाउस, सॉरी ये कौन है? हेलो मिस बेकर। हेलो टॉम। बॉस, डू यू नीड एनी हेल्प? ओ हां, हमें इसको ओनरशिप दिलानी पड़ेगी मिस बेकर को। मेबी सम शैंपेन। गुड आइडिया, व्हाई नॉट। सो लिसन, इफ यू नीड एनी एडवाइस अबाउट वेल anything, but in particular business here, Tom's the person to speak to. And always happy to oblige. This truly is a happy day. I must show you around your new home. Okay, ye log party kar rahe hain, maine penthouse kharida isliye. Miss Baker, are you sure I can't help with Mr. You know, maybe that would be a good idea. Ye kaun hai? Tommy boy! I got to go back to Mr. Chang. Ginger, he's totally fucked like a melon. I mean, the job stresses have this been... is Mr. Chang, our owner. Mr. Chang? Oh, what is that? That's how he like. The good news, sir, is we have sold the penthouse to this lucky man. Oh, let's hug out! Oh, I need... What am I selling here? Rehab has not worked out so well. His uncle, there's a lot of pressure. Well, people, isn't this a happy day? Dore pore isko pata nahi kyun. Mr. Chang, I had another aggressive call from the Texans, from Avery Duggan. He said you've been pretty rude. The takeover is turning hostile. Let's have this champagne. Oh, where the karaoke machine? Oh, yeah, like, Mr. Chang said he's very sorry, but he's under a lot of stress. He didn't say that at all. No, but he meant it. Whatever. Avery Duggan is not a nice man. This won't be good for business. If he's serious, he's not above blackmail. Jeez. The truth is, well... His uncle is a Kowloon murderer who's made it clear he will kill all of us if this place fails and brings disgrace to his privileged nephew. But that isn't the serious problem. The real problem is Avery Duggan. Yes, the Texan asset stripper who's realized we're fucked and is putting all kinds of heat on us to sell at knockdown prices after he's destroyed this place and your apartment and my career in the process. Anyway, welcome to your new home. I've got to go. Well, if you need anything at all, you know where to find me. Okay guys, तो ये रहा मेरा नया अपार्टमेंट पेंट हाउस। वाह, इतना लंबा सोफा, बेड भी बड़ा है, ऑफिस भी है, मतलब टेबल भी है, कंप्यूटर तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये बाथरूम है मेरा और ये बाथटब है यहाँ पर। मेरे चेंजिंग रूम कहाँ पर है पता नहीं, बहुत ही बड़ा है ये रूम। ओके, तो ये रहा मेरा पैंट्री। आउटफिट जो है वही अच्छा है। यहाँ पर टुवाल्स पड़े हैं सारे। ओके, तो ये बेडरूम है जो कि मुझे ख़रीदना पड़ेगा। ओके, तो इन शॉर्ट इतना छोटा भी नहीं है अपना रूम। मैं पीछे की साइड कैसे जाऊँ, मुझे ये वाली साइड पर जाना है। अरे रास्ता ही नहीं दिया हुआ। ओ, बाथरूम में भी टीवी दिया हुआ है, अच्छी बात है। ओके गाइस, कोई बात नहीं, तो अब मैं सीधा चलता हुआ नीचे कैसीनो के अंदर। ओके, तो ये भी कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है। ओके, तो यहाँ पर लाउंज है, मुझे पूरा ख़रीदना पड़ेगा। अभी कैसीनो के अंदर चलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे जो मिशन है वो अनलॉक हुआ है कि नहीं हुआ। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और उनके मेरे जो साथी है उनके पास भी गाड़ियाँ तो अच्छी अच्छी है, तो फटाफट निकलना पड़ेगा। ये बहुत ही खतरनाक तरीके से चलाते हैं लोग, पता नहीं क्यों। तो मैं भी ऐसे ही चलाऊंगा। मिसेस बेकर का ये कहने के लिए फ़ोन आया था कि उनको किसी अबेंडन होटल में रखा गया है जो कि क्या बोलते हैं, जो कि
सैंडी शोर्स में जहाँ पर ट्रेवर रहता है। ट्रेवर अगर आपको नहीं पता तो पता नहीं, क्योंकि मैंने भी अपने वीडियो में आज तक ट्रेवर के मिशन नहीं किया है, क्योंकि वो एक अलग ही मोड है, ये एक अलग ही मोड है। कोई बात नहीं, तो मेरा जो सेकंड प्लेयर है, साथी है, वो टीममेट, वो थोड़ा पीछे है, लेकिन वो भी बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। मेरी गाड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा स्लो है, पता नहीं ऐसा क्यों। उनकी बुलेट प्रूफ कार है कि नहीं वो पता नहीं मुझे, लेकिन फटाफट पहुंचना पड़ेगा। टीम लाइव्स दो ही है, अगर कोई भी मरा तो गए। अरे मुझे लगा ये आगे वाली गाड़ी वाला था, लेकिन उसने तो बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट ले लिया सेकंड फर्स्ट टीममेट ने, और थर्ड वाला भी मेरे पीछे कॉपी कर रहा है, ये रहा मेरे बाजू में। ये गाइस तो यहाँ से टर्न लेना था, अरे ओके मैं पहुँच गया। इनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ हो तो ठीक, एक तो लेवल 55 वाला है, 155 वाला इसलिए उसको अच्छा, दूसरा पता नहीं कौन से लेवल का है। एकदम फास्ट एंड फ्रेश की टीम ही लग रहे हैं। उतरना मत गाड़ी में से कोई भी प्लीज। ये लोग गाड़ी में से उतर गए हैं, वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है। अरे अरे सॉरी सॉरी, अरे ये पागल है क्या, मेरी गाड़ी उड़ जाती। पहले इन लोगों को मारना पड़ेगा, यहाँ पर भी कुछ लोग तो है। ये गया, ये हेडशॉट में एक गया, ये भी गया, ये लोग भी गए। ये मेरी बुलेट प्रूफ कार का डिसएडवांटेज ये है कि मैं बॉम्ब नहीं फेंक सकता, बाकी मैं स्टिकी बॉम्ब फेंक के डायरेक्टली मार डालूँ सबको। ओ ये क्या हुआ, कोई बात नहीं सबको मारना पड़ेगा। मैं थोड़ा गाड़ी पीछे चला लेता हूँ, नहीं तो फिर मेरी गाड़ी जो बुलेट प्रूफता है वो निकल जाएगी। यहाँ पर है, यहाँ पर है साले, मेरे को रिलोड करना पड़ता है यार बार बार, वो चीज़ नहीं पसंद मुझे। पता है मिस्टर चेंग कहाँ पर है, ये इधर इधर कहीं पे ऊपर वाले ऑफिस में, लेकिन इतने सारे जन है तो मैं इनको बचा नहीं पा रहा, और एक टीम लाइफ जो है हमारी कम हो चुकी है। कहाँ जा रहा है बे, हाँ कहाँ जा रहा है, खाएगा नहीं एक, ये ले हेडशॉट पे ही गया ये तो। यहाँ पर लोग कम नहीं होने वाले हैं, इसलिए मुझे फटाफट जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं भी उतर जाता हूँ, और ये वाली जो गन है वो स्विच कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई नहीं है, यहीं पर होते हैं मिस्टर चेंग, यहाँ पर मैंने देखा था, लेकिन यहाँ पर आज नहीं है, तो कहाँ पर होंगे। गाइस मैप में दिख रहा है कि यहाँ पर भी एक जन है, कोई दिख तो नहीं रहा, तो मैं आगे की साइड ही चलता हूँ। ओके तो जो मिस्टर चेंग है वो मिल चुके हैं, तो मैं फटाफट अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। यहाँ पर कोई हो ना तो अच्छा। भाग 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 भाग, टाओ चेंग को बचाना पड़ेगा। वो जो है वो कसिनो का मालिक है, लेकिन जो डगन करके एक फैमिली है वो कसिनो पर ओनरशिप अपना लगाना चाहती है, और उसी वजह से मेरी जो कसिनो की ओनरशिप है वो भी जा सकती है, इसीलिए मुझे ये काम में मदद करनी पड़ेगी उनकी। अरे यार, और गाड़ी आ गई है इनकी, कोई बात नहीं, मैं इनको तेरी तो हमड़ा गुजराती बोल दी मैंने। ओके तो मुझे पहले टाऊ को बचाना पड़ेगा, टकले नहीं, टकला तो नहीं है, नाम से तो कोई बूढ़ा इंसान ही लगता है टाऊ।
कहाँ पर है? उसको बचाना पड़ेगा मुझे। ओके ये गया। टाओ चेंग को बुला, जल्दी बुला, जल्दी। ओके तो मेरा चौथा टीममेट है वो दिख तो नहीं रहा, लेकिन उसको भी ढूंढना पड़ेगा। गाइस तो मेरा जो तीसरा टीममेट है वो मर चुका है, जिसको मुझे फटाफट से लेने जाना पड़ेगा। अरे यार उसको मैं ले आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे यार ये कहाँ जा रहा है गधा? अपनी गाड़ी लेने जा रहा है, उसकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा, वो मर जाएगा। ओके बच गए हम लोग। उनकी गाड़ी, वो भी अपनी गाड़ी लेकर आ ही रहा है, तो मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। टाओ चेंग की हेल्थ जो है सबसे बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। और ये ले, अरे मेरी गाड़ी ब्लू प्रूफ है, इसकी बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे पास। इसको ऐसे करके ठोक देता हूँ। ओके तो ये जो गाड़ी है वो ब्लास्ट हो चुकी है। ओके मुझे फटाफट, मैं अभी कहीं पे रुकने ही नहीं वाला। ये लोग पता नहीं इतनी गोलियां क्यों चला रहे हैं, वैसे चलाएंगे कि मैंने इनके अड्डे पर जाकर सबको मारा है। तो जल्दी वो गाड़ी वाला, यार मेरी बुलेट प्रूफ कार है फिर भी वो ढापण कर रहा है। मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा, सामने से एक बाइक आ रही है जिसको मैं ऐसे ही उड़ा दूँ। अरे यार बच गया वो, बच गया बच गया, कोई बात नहीं, वो मेरी दूसरा टीममेट है वो उड़ा देगा मुझे फटाफट। अरे यार आगे वाले रास्ते पर ही ऑलरेडी दो है। ओके तो एक को तो गोली मार दी मेरे प्लेयर ने, दूसरे को भी मार देंगे। ओके ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। मुझे आगे किससे जो भी आएगा उसको ठोकना पड़ेगा अब। ये एक गया, ये भी एक गया। अरे यार दो और गाड़ी आ गई, ये भी एक गया। मुझे, मैं रॉन्ग साइड ही ले लेता हूँ। मेरे पीछे ही आ रहे ये लोग। टाओ चेंग की जो हेल्थ है वो कम तो नहीं हुई है, इसलिए अच्छा है। इस बाइक वाले को मैं यहीं पे उड़ा दूंगा। ओके तो ये एक गया, ये दूसरा नहीं जा पाया। ओके तो मुझे, मैं ऑलमोस्ट कैसीनो पर पहुँच ही चुका हूँ। ओके गाइस तो फाइनली बच गया हूँ मैं यहाँ पर। मेरा जो तीसरा साथी है वो मरे ना तो अच्छा, मेरी कार ने हम सबको बचा लिया। वे यार तुम लोग अभी भी, अभी आना था। फटाफट से गैराज के अंदर गाड़ी घुसा लेता हूँ ताकि कोई पकड़ ना सके। ओके गाइस तो फाइनली मैंने चेंग को बचा लिया है। मैंने टोपी में आया हूँ कि कौन है ये? ओके मैं पीछे था। थैंक यू इन दोनों का जिसने मदद की। ओके तो फाइनली मिशन मैंने पास कर लिया है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए जैसे लाइक कर दीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगली यूट्यूब वीडियो, तो के लिए गुड बाय।